पापा पापा उठिए, पापा उठिए, पापा पापा पापा। आप ऐसे बिना सोए रात भर जागेंगे तो आपकी तबीयत क्या होगा? बाहर बहुत ही धुंधला सा है, आप अंदर आके लेट जाइए। रात के 3:30 बज चुके हैं, आप अंदर आइए ना। मुझे नींद आ नहीं रही है और अगर आ भी जाए तो मुझसे सोया नहीं जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया है दीपक, सब कुछ खो दिया। माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना ठीक होगा। मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं। एक कमीने के कारण हमने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया है दीपक। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ मेरा खून खौलता है दीपक, मेरा खून खौलता है। हम सबके ऊपर ईश्वर नाम का कोई है, जिसने भी नाइंसाफी दिखाई है उसको शिक्षा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उस कमीने राजशेखर ने हमारे साथ जो किया है तुम वो भूल गए हो क्या दीपक, भूल गए हो क्या? मैं कैसे भूल सकता हूँ माँ, उस हादसे को मैं कैसे भूलूं? मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ माँ, कभी नहीं भूल सकता हूँ माँ। क्या हुआ दीपक, दिल में दर्द हो रहा है क्या? इस दर्द को तुम और कितने साल सहने का इरादा है?
उस राजशेखर से बदला लेकर उसे छोटे छोटे हिस्सों में काट कर उसी दिन तुम्हारे दिल में और मेरे दिल में ये दर्द कम होगा। उस कमीने राजशेखर ने तुम्हारे पिताजी की जो फोटो ली है वो उस ड्रॉ में रखा है, उसमें से सिर्फ उसका फोटो अलग से काट के ले जाओ। उसके फोटो को तुम्हारे स्टूडियो में तुम्हारे आंखों के आगे लगा लेना। हर एक बार जब तुम उस फोटो की ओर नजर घुमाओगे, हर बार उससे बदला लेने की चाह तुम्हारे दिल में एक बीमारी की तरह लगनी चाहिए। समझ गए तुम? जितनी जल्दी हो सके राजशेखर को इस दुनिया से हटा कर उस खबर को तुम मुझे सुनाओगे। माँ, तुम आराम से सो जाओ। माँ, इस राजशेखर की अगली चाल मैं जरूर खत्म करूंगा। वो खबर तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। माँ, तुम चैन से सो जाओ। अच्छा हो गया, एक तरह से देखे तो अपने ही गांव में वापस आ गए। बहुत खुशी हो रही है। मुझे मेरे ही गांव में ट्रांसफर देने के लिए मेरे बैंक ऑफिसर को थैंक यू। माँ, अगर पिताजी हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता ना। हमारी नसीब में वो लिखा ही नहीं था। माँ, मेरे पिताजी हीरो की तरह सुंदर लगते हैं ना। आप एकदम लकी है माँ। सॉरी माँ, तुम्हें पिताजी की याद दिला दी क्या? सॉरी माँ, वो सब छोड़ दो बेटा। तुम 6 साल की थी जब ये जगह छोड़ के गए हम। अब तो 17-18 साल हो गए। ये गांव भी बदल गया है। इतने सालों में जो नहीं होना था वो भी हो गया। तुम्हारे पिताजी की जो मेहनत की कमाई थी वो भी खो गया। ये बर्बादी सहन न कर पाए और तुम्हारे पिताजी चल बसे। आज भी अगर वो यहाँ पे जिंदा होते तो तुम्हें वो राजकुमारी की तरह रखते। माँ, हमेशा जो हो चुका है उसके बारे में क्यों परेशान होते हो? अभी हमें कमी ही क्या है। मैं बहुत पैसे कमाती हूँ। पिताजी जो कुछ पैसे छोड़ के गए वो बैंक में भी है। उसका जो सूद आता है वही हमारे लिए काफी है। हमारे इस राज्य में मैं ही राजकुमारी हूँ और आप महारानी हैं। चलिए ना महारानी, राजकुमारी को भूख लगी है, चलिए। आंचल, मुझे पता नहीं डर सा लग रहा है। तुम्हें कुछ हो ना जाए मेरा मन कहता है, जरा संभल के रहना तुम। क्या माँ, आप ऐसे सब क्यों सोचती हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे जैसे लड़की को आपसे ज्यादा हिम्मत है। डोंट वरी माँ, मेरी प्यारी माँ है ना। जैसे तुम बढ़ रही हो वैसे तुम्हारी बदमाशी भी बढ़ रही है। वो तो मेरे पिताजी की आदत है, वो तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। ऑलवेज बी हैप्पी। तुम्हारे पिताजी का फोटो किसी अच्छे स्टूडियो में देके कलर फोटो बना के दे दो ना बेटा। ऐसा ही होगा महारानी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। हट बेवकूफ, चल खाते हैं। हाँ ठीक है सर, कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है सर। हेलो सर। बताइए मैडम। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर फोटो बदल के दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फोटो लाए हो? हाँ जी सर, लेके आई हूँ। हाँ दीजिए। ये लीजिए। सॉरी, गलत मत समझिएगा, आपको इसके पहले कहीं देखा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे क्योंकि कल सुबह ही हम लोग ये गांव में आए। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी सर, क्योंकि हम लोग भी इसी गांव के है सर। मैं जब 6 साल की थी हम तभी ये गांव छोड़ के गए। हम तो 17-18 साल के बाद ही इस गांव में वापस आ गए। आप नाम बताइए। मेरा नाम है आंचल। आपका नाम है आंचल? इंडियन ओवरसीज बैंक, लक्ष्मण स्ट्रीट,
लक्ष्मी स्ट्रीट। मोबाइल नंबर बताइए। 875400 875-4-00-3292। ओके मैडम, बैंक में काम करती हो? हाँ जी सर, बैंक में ही काम करती हूँ। लड़ झगड़ के मैंने मेरे ही गांव की ओर ट्रांसफर ले लिया। अगर इसे खोलेंगे तो फ्रेम खराब हो जाएगा। अगर नया फ्रेम लगाना है तो उसके लिए कुल मिला के 600 रुपए आएगा, ठीक है ना मैडम? जितना भी खर्चा होगा कोई बात नहीं सर, थोड़ा अच्छा बना के दे दीजिए। ताई, ता, ताई, आ, ता, ताई, ता, ताई, आ, 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 आ। मैडम। हाँ। इस फोटो में जो है वो मेरे पिताजी, नाम है राजशेखर, पिछले साल उन्हें हार्ट अटैक आकर गुजर गए। राजशेखर। हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसा है? अच्छा। आइए आइए, क्या हुआ, सब लोग टूर पे जा रहे हैं? जी अंकल। यहाँ खड़े उनके क्या बात कर रहे हैं, अंदर आइए। अभी नहीं, हम लोग कभी जाना है, बाद में कभी आते हैं। अरे लेकिन आंचल और भाभी कहाँ हैं? उन्हीं तो छुट्टी है ना, माँ और बेटी दोनों सुबह शॉपिंग के लिए चली गई। आज तो मेरा घसाना पूरा खाली हो जाएगा। बच्चे सब कैसे हैं? बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सिमरन तो भी डांस भी सीख रही है। वाओ ग्रेट। हाय सिमरन बेटा, अंकल के लिए छोटा सा स्टेप सरा करके बताओ ना। ताई ता ताई आ ता ताई ता ताई आ आ आ। फैंटास्टिक, सुपर। बहुत अच्छा बच्चे। हम लोग वापस आने में 10 दिन लग जाएगा, ऑफिस संभाल लेना, अगर कुछ जरूरत पड़ा तो मुझे बुला लेना। अरे वर्मा सर, कुछ भी हो जाए मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। बाय बाय, हैव ए वंडरफुल हॉलिडे ट्रिप। थैंक यू, हम जाके आते हैं। बाय बाय मिस्टर वर्मा, बाय। देखा अपना बेटी कैसे नाच लिया था, वेरी गुड, सुपर। सुनिए कुछ भी हो, हम अगले सर हमारी बेटी का परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। हाँ, ज्यादा नजर नहीं लगाना उसको, इतना अच्छा नाच रही है। तुम्हारी बहन बहुत अच्छा डांस करती है ना? हाँ माँ, कितनी प्यारी है। नहीं नहीं, बस करो बस। हाँ करो। बस बस, नहीं तो मैं भी गाना शुरू करूँगा। अरे माँ, मुझे घर पे ही छोड़ देते, मुझसे ये सहा नहीं जा रहा, सच्ची में मैं कह रहा हूँ। एकदम मस्त गाते है ना मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। पापा पापा धीरे जाओ ना, पापा सुनिए ना, पापा बहुत डर रहा हूँ, पापा जरा धीरे जाइए ना। तो पापा पापा मैं डर रहा हूँ पापा। क्या कर रहे हैं आप? अरे सुनिए तो सही, बच्चों को डर लग रहा है, रोकिए पापा, मुझे डर लग रहा है। पापा धीरे जाइए ना पापा, प्लीज पापा, पापा धीरे जाइए पापा, प्लीज पापा, पापा प्लीज पापा, पापा धीरे जाइए ना। माँ माँ उठिए ना, माँ इधर देखिए, माँ माँ उठिए, माँ जरा उठिए, माँ माँ देखिए तो सही, माँ प्लीज, माँ माँ उठिए, माँ 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 जरा देखिए, माँ माँ उठिए, माँ प्लीज, माँ 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 प्लीज, माँ आइए, माँ माँ उठिए ना, माँ मेरे पैर, माँ 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 प्लीज, माँ माँ उठिए, माँ माँ इधर आइए, माँ 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 मेरे, मैं कह रहा हूँ माँ माँ उठिए ना, माँ प्लीज, माँ 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 प्लीज, माँ। पापा तुम कहाँ हो? पापा सिमरन तुम कहाँ हो? सिमरन, अरे सिमरन,
पापा किधर हो? पापा 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 उठिए ना पापा, पापा सुनाई नहीं दे रहे हो? पापा उठिए ना पापा, पापा पापा उठिए ना पापा, पापा उठिए ना प्लीज सिमरन, पापा 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 उठिए पापा, पापा प्लीज पापा, पापा उठिए ना पापा, मैं ही बुला रहा हूँ पापा, पापा जरा उठ के देखिए पापा, पापा प्लीज पापा, पापा 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 मुझे छोड़ के मत जाइए पापा, प्लीज पापा, पापा पापा मुझे छोड़ के मत जाइए पापा, प्लीज पापा, पापा मैं अकेला हो जाऊंगा पापा, प्लीज पापा, पापा पापा पापा। ओके सर, जैसी फोटो रेडी हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। सर अगर अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप बता सकते हैं ये फोटो में कौन कौन है? वो मेरे पिताजी हैं, उनके साथ में जो बैठी है वो मेरी बहन है सिमरन, एक बहुत ही कमीना इंसान, उसने ही बड़ी क्रूरता से मार डाला, वो सुबह की तरह सच है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी में ये हादसे क्यों होते हैं किसी को नहीं पता। मैं और वर्मा एक साथ पढ़े और एक साथ पास हो गए, हमने एक साथ बिजनेस किया और एक साथ कामयाब भी हो गए, लेकिन अब बिना वर्मा के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना सोच भी नहीं सकता। अरे आइए सर आइए, अच्छे समय पर आए हैं आप। वर्मा और मैं जो साथ में बिजनेस कर रहे थे उसको मैं छोड़ रहा हूँ, उसके लिए जो भी कागजात चाहिए आप प्रिपेयर कर दीजिए, मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर गांव में जाके सेटल होने की सोच रहा हूँ। अभी जो बिजनेस चल रहा है उसमें से मेरे को पैसे जायदाद किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। अरे तुम लोग सब कैसे ऐसे नाटक कर रहे रे? क्या बोला, तुमको इस बिजनेस से कुछ भी तरह से पैसा और अधिकार नहीं चाहिए करके बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा पार्टनर ने जो खरीदा हुआ वो जमीन, बहुत बड़ा जमीन, 100 करोड़ से भी ज्यादा भाव में तुमने बेच दिया ना रे। क्या सर, बिना कुछ जाने आप मुझे ऐसे डांट रहे हैं? मैडम ये जो भी बोलता है उसका जरा भी मान नहीं लेना, आपके साथ जो भी हुआ है सब इसके वजह से हुआ है, आपका हस्बैंड के नाम पर था, जो भी असेट्स पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में इसने सब हाजिल कर दिया और वो सब 100 से भी ज्यादा करोड़ में इसने बेच दिया, अगर ये बात बाहर निकलेगा तो प्रॉब्लम होगा करके आपका हस्बैंड को एक्सीडेंट में मार दिया गया और आपको तकलीफ में डाल दिया, आपको तकलीफ में डाल दिया। क्या बात है मैडम, ऑडिटर कुछ दूसरा बात बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो मेरी बहन जैसी है मैडम, आप तो जानते ही है वर्मा मेरा कितना पुराना दोस्त है, ऐसा होकर भी ये पता नहीं क्यों मुझे बुरे चीजों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैडम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, 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 तेरी तो अरे रास्कल, उस दिन क्या बोला था तुम? राजशेखर, मिस्टर राजशेखर। गुड मॉर्निंग ऑडिटर सर, वेलकम, जल्दी आ गई, हमेशा तो पहले अपॉइंटमेंट लेके आते थे, कुछ खास काम है क्या आपको? जी हाँ मिस्टर राजशेखर, बहुत जरूरी काम है आपसे, एकदम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वाला बात करना है। अच्छी बात है, उधर बैठ जाइए, बैठ कर बात करेंगे, टी और कॉफी आपको क्या चाहिए बोलो? मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया है, कॉफी पीने के लिए भी नहीं आया है। क्या बात है ऑडिटर सर, आज आपका बातचीत में कुछ गुस्सा दिख रहा है, कुछ गलत हुआ है क्या? कुछ भी गलत नहीं हुआ, गलती किया है, तुम्हारा पार्टनर ने जो खरीदा वो बहुत बड़ा जगह 100 करोड़ से भी ज्यादा रकम में पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर, वो प्रॉपर्टी मैंने बेच दिया, वही पूछने के लिए आप आए है ना? पावर ऑफ अटॉर्नी लेके जरा रुको, मैंने सोचा आपके पास दिमाग है, ठीक है ये सब छोड़ दो, पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों लिया था? जिनके जमीन है वो जाने बगैर उसे बेचने के लिए है ना? तो फिर
उसका मतलब ये हुआ है आपने जरूर उसको बेच डाला है। कूल डाउन ऑडिटर, कूल डाउन। आप ही ने बोला वो जायदाद करोड़ों में जाएगा, उसे ऐसे रखने के बगैर मैंने बेच दिया। आप अगर टेंशन लिए बगैर मदद करेंगे, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। सब लोग तुम्हारा जैसा है करके नहीं समझना। तुम्हारा पार्टनर जैसे भी वापस आए, मैं ये बात उसको बता के देखो मैं क्या करता है। अरे ऑडिटर सर, सिर्फ वर्मा सर नहीं, उनके परिवार का कोई भी आदमी जिंदा वापस कभी नहीं आने वाला है मिस्टर। अब आप क्या करेंगे ऑडिटर सर, बोलिए। क्या बोलते हैं राजशेखर? क्या बोला राजशेखर? अभी बताता हूँ बेवकूफ ऑडिटर। वर्मा साहब के परिवार उनके साथ ऊपर जाने के लिए तैयार है। तुम कहाँ जाके कंप्लेन लिखोगे? अभी बोलता हूँ, गेट लॉस्ट। राजशेखर, वो जगह बेच दिया और उसको मैं खत्म कर देता हूँ। और ये सब बोल के तुम अभी नाटक कर रहा है कह रहे? तुम क्या समझा मैं चुप रहूंगा करके जे? अरे चल यहाँ से। प्यारी बहना, ये ऑडिटर अभी यहाँ बोला ना, वो पूरा सच है। आपका प्रॉपर्टी मैंने बेचा, एक्सीडेंट मैंने भी कराया, वो बात भी सच है। लेकिन आपको देखकर मुझे बुरा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप बाकी पैसे और जायदाद को रखकर आपकी छोटे बच्चे दीपक को अच्छी तरह पाल पोस कर उसे बड़ा करना। ये बेवकूफ ऑडिटर, एक अच्छा ऑडिटर बनकर मेहनत करके इस परिवार को देखो, चुपचाप तुम्हारा काम करके जियो। ये सब छोड़कर तुम सीएडी का काम करेगा तो अगला बाजा तुम्हारे ही होगा। राजशेखर, राजशेखर, राजशेखर। राजशेखर। अच्छा, माँ को बोलूं क्या राजशेखर की बेटी आंचल को देखा था करके? यस। हाँ, ये बात ठीक है। अभी जाकर माँ से मिलकर आंचल ने जो बताया राजशेखर मर गया है, ऐसे माँ को बोल देता हूँ। माँ को बताना पड़ेगा कि राजशेखर अभी जिंदा नहीं है। माँ ये सब जानकर खुश होगी। माँ, कुछ खाया क्या आपने? इतनी ठंड में क्यों बैठी हो? वो सब छोड़ो दीपक, राजशेखर के बारे में कोई खबर मिली है क्या? नहीं माँ, अब तक कुछ पता नहीं चला है। हाँ माँ, अगर राजशेखर मर गया है तो? लेकिन उसे उतनी जल्दी मौत नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। जैसे तू कह रहा है, अगर वो पहले ही मर चुका होगा तो उसकी आंचल नाम की एक बेटी है,
उसे ढूंढकर पता लगाकर बदला लो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आंचल, आंचल, ये नाम भी तो बहुत अच्छा है। ये नाम अच्छा है या नहीं, मैंने तुमसे नहीं पूछा। क्यों माँ, हर बात पर नाराज क्यों होती हो? ओके माँ, सॉरी। आइए सो जाते हैं। सर, मेरे पिताजी की फोटो रेडी हो गई। लेकिन मैंने तो आपको फोन ही नहीं किया। मैंने आपको फोन करूंगा करके बोला था ना, लेकिन ये नहीं बोला कि फोटो तैयार नहीं है। तुम्हारे पिताजी बड़े हैंडसम दिख रहे हैं, लेकिन 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 तुम्हारी तरह, आई मीन आंचल की तरह उतनी खूबसूरती तो उनमें नहीं है। आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं, मेरे पिताजी की फोटो मैं देख लूं जरा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है सर, मेरे पिताजी का फोटो बहुत खूबसूरत है ना सर। थैंक्स अ लॉट, ये तो सच में ही एक्सीलेंट वर्क। सर ये टीवी सीरियल में आने वाली आर्टिस्ट वैशाली है ना? हाँ जी वही है। क्या मैं ये एल्बम जरा देख सकती हूँ? हाँ देख सकती हो। वाव सुपर। सर एक्सेलेंट सर, लेकिन इनका एल्बम यहाँ पे कैसे? वो भी इसी गांव की है, उनकी मॉडलिंग पोर्टफोलियो मैंने ही करके दिया और वो आजकल टीवी सीरियल्स में नंबर वन आर्टिस्ट है। सर आप मॉडल फोटोग्राफी करते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, वो ही मेरा फेवरेट जॉब है। वाव ऐसी बात है क्या? तुम्हारे पिताजी के फोटो को पैक करके दूं क्या? कोई बात नहीं सर, रहने दो। इसके लिए मैं आपको कितने पैसे दूं? मेरा नाम सर नहीं है, दीपक है। आप मुझे हमेशा दीपक बुला सकती हो। तो फिर आप भी मुझे नाम से बुला लीजिए। सर इसके लिए मैं आपको कितने, सॉरी दीपक सर। ओ भगवान, मेरी सुंदर बेवकूफ लड़की, अगर तुम फिर से सर बुलाओगी तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारी इस खुशबू की तरह। दीपक दीपक हाँ? दीपक दीपक हाँ? दीपक हे हेलो हेलो आंचल, सोई नहीं क्या? या तो नींद नहीं आई? कैसे पता चला कि मैं बात कर रही हूँ? मेरी खूबसूरत बेवकूफ लड़की,
तुम्हारी इस कॉल का इतनी देर से राह देख रहा था। अभी फोन किया तो धन्यवाद। तुम्हारी खुशबू की तरह कल शाम को 6 बजे पार्क में तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा ये दीपक। लेकिन मैं कैसे इस दीपक को ढूंढ के? मेरी खूबसूरत बेवकूफ लड़की, जरूर वो शाम को 6 बजे आएगी। लेकिन हेलो मेरी प्यारी बेवकूफ लड़की, वे तू पागल हो जाएगी लड़की, पागल होके दर बदर फिरती रहेगी तू। दीपक, चली जा यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा मैं। रुको, हे, तुम्हें मारना चाहता हूँ मैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। नहीं दीपक, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं दीपक, मुझे छोड़ दो। रुक जा, नहीं दीपक, मुझे छोड़ दो। रुक जा, नहीं छोड़ दो मुझे। दीपक, 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 क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो तुम। कोई भी बात हो मुझसे जरा शेयर तो करो। क्या बात है? दीपक, जरा मुंह तो धो लो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स। थैंक्स क्यों बोल रहे हो, वो भी मुझे? ओके, मुझे पार्क में आने के लिए कहा था, कुछ खास बात है क्या? ऐसे कुछ खास बात नहीं है, तुम्हें देखना चाहता था इसलिए। मुझे मॉडलिंग करने का बहुत बड़ा सपना है, लेकिन उसके लिए किससे मिलना है, किससे क्या बात करना है, मुझे कुछ नहीं पता। अब जब आप मॉडल फोटोग्राफी कर रहे करके मुझे पता चला तो मैं वो सपना दोबारा देखना शुरू कर दी। मेरा भी
ऐसा एक फोटो ले सकते हैं क्या दीपक? तुम्हें मॉडलिंग की क्या जरूरत है? तुम बैंक में काम कर रही हो ना? पैसे कमाना तो ठीक बात है, लेकिन हर किसी को अपनी नौकरी से ऊपर प्यार और पैशन होगा ना। वैसे ही मुझे भी मॉडलिंग में एक पैशन है। लेकिन तुम जो कहने वाले हो मुझे मालूम है दीपक, उस प्रोफेशन में मैं एक लड़की हूँ, इसलिए शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वही कहने वाले थे ना, अगर मैं अकेली हूँ तो वो डर ठीक है, इसलिए तो मेरे साथ मेरा प्यारा दीपक साथ है। आंचल, तुम मुझे चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मैं कह रहा हूं ना। माँ, तुम्हारी फेवरेट पिक्चर की डीवीडी लाया हूँ, देखोगे क्या? मेरा सिनेमा देखना छोड़, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सुन रही हूँ, क्या वो सच है? क्या खबर मिली तुम्हें? दीपक, तू एक छोटा बच्चा नहीं है, और मुझे भी दुनिया की खबर रहती है। तुम्हारी माँ घर के अंदर है, इसलिए तुम जो कुछ भी बाहर कर रहे हो, क्या मुझे ये बात पता नहीं चलेगी? तुम एक बेचारी की तरह अपनी माँ के आगे ढोंग मत रचाओ। तुम कुछ दिनों से किसी लड़की के साथ घूमते हुए ये खबर मुझे सुनाई दी, क्या ये बात सच है? ऐसा नहीं है माँ, किसी ने तुम्हें झूठ बोला है, मुझ पे भरोसा करो ना प्लीज माँ। इस दुनिया में अगर मेरा कोई सहारा है तो वो सिर्फ तुम हो। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया, अब मैं और तुम्हें भी नहीं खो सकती। वो सब सहन करने की शक्ति अभी मुझ में नहीं है बेटा। माँ प्लीज माँ, भरोसा रखिए मुझ पे, आपके बिना मेरे को कोई नहीं है, आप ही हो मेरे सब कुछ। आंचल, आंचल, क्या हुआ तुम्हें? सुबह सुबह सपना देख रही हो क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बहुत दिनों से कह रही थी ना, मुझे एक मॉडलिंग का पोर्टफोलियो करने का बहुत बड़ा सपना है। हाँ? लेकिन उसके लिए क्या करूं, किसे अप्रोच करूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पापा का फोटो कलर फोटो में बदल के दिया था ना, वो वाले फोटो स्टूडियो का ओनर दीपक, वो मॉडलिंग पोर्टफोलियो करते हैं माँ। वो सीरियल एक्ट्रेस वैशाली का ना, उस लड़की का मॉडलिंग का पोर्टफोलियो इन्होंने ही करके दिया था माँ। उस एल्बम को मैंने देखा था माँ, ऐसे नहीं कह रही हूँ, एक्सेलेंट माँ। इसलिए? उसलिए मुझे भी उस लड़की की तरह एक पोर्टफोलियो कराना था माँ, इसलिए मैंने दीपक से पूछा माँ। आंचल, तुम्हें ये सब जरूरत नहीं है। करेक्ट है माँ, उन्होंने भी यही बात बोला, अगर वो सिर्फ पैसों के लिए अपना काम कर रहे होते तो मेरे पास से पैसे लेकर मेरा फोटो निकलवा के वो अपने काम पे चले जाते। इसलिए मैंने किसी भी हालत में मेरा मॉडलिंग का फोटो निकालने बोला, उन्होंने मुझसे वादा किया। आंचल, जो हाथ में है उसको खो मत देना तुम। प्लीज माँ, प्लीज माँ, प्लीज। वो एकदम जेंटलमैन है माँ, अगर मैं उनके साथ काम करूंगी तो मैं जीत जाऊंगी माँ। प्लीज माँ, प्लीज माँ, प्लीज। जीतना छोड़ो, पहले हाथ धो अपना। तो फिर ठीक है ना? ठीक है ना माँ? आंचल, मुझे पता नहीं, हमारे लिए सहायता के लिए कोई नहीं है, जरा संभल के। उसके लिए दीपक हमारे साथ है ना? क्या क्या बोला? कुछ नहीं माँ, आप जैसे कह रहे हैं मैं संभल के रहूंगी, एकदम संभल के रहूंगी। ठीक है ना माँ? थैंक्स माँ। पता नहीं। यहाँ देखो, फोटो दो तरह से ले सकते हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशन। ठीक है, पहले होमली लेते हैं फिर मॉडर्न लेते हैं, ठीक है? okay. यहाँ देखो, देखो ये वाला पोज कैसा है? बहुत अच्छा है। वही तो,
ये देखो ऐसे कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं? तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अच्छा लग रहा है। सब क्या बात है? बोलो। हाँ बोलो। तो अकेला करके पोज करने से साथ में एक लड़का भी रहेगा तो अच्छा लगेगा। क्या बोला तूने? इनकी जोड़ी के लिए कोई और लड़का? रास्कल, किसी ने तुमसे आइडिया पूछा क्या? हाँ? इस लड़की के साथ कोई बात भी किया ना तो मार डालूंगा मैं। जाओ जाके काम करो। कर मैं प्यार करूंगा,
मेरे पास आजा सनम, क्या करूं मैं, तुम बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। तुमसे बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे जानम। आज हम तो मिल जाएंगे, तेरे दिल में बस जाऊं मैं तेरे दिल के पास हूँ मैं, क्या करूं मैं, तुम बताओ। ऐसा मैंने बोला क्या? सॉरी, अभी तक रेडी नहीं हुआ, कल तक जरूर रेडी हो जाएगा। अबे, इसके लिए कोई रोएगा क्या? मेरी खूबसूरत बेवकूफ लड़की, तुम्हारा एल्बम मैंने बिल्कुल तैयार रखा है, इधर देखो। टॉन टॉन। Wow. How is it? My God. Super Deepak. Wow. Deepak, my darling. Hey. अरे कितनी खूबसूरत है, प्यार करूं क्या तुमसे? नहीं हो पाएगा, मेरे को बहुत जिम्मेदारियां हैं, सो सॉरी। तुम्हारे पापा भी गुजर गए ना, मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो, क्या करे क्या करे, सोचने पे मजबूर कर रहे हो। सोच रहा हूं। बेचारी हो। ब्यूटीफुल। सॉरी मेरी बेचारी बेवकूफ लड़की, तुमने सोचा मैं तुमसे प्यार करूंगा? ऐसे ही लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए वही ठीक है। मैंने सोचा तुम्हारे पापा को मारूंगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी मर गया। लेकिन तुम इतनी बेचारी हो, तुम्हें अगर मार डालूंगा तभी तो मेरी माँ को, जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए मैं इतना करूं, करना ही पड़ेगा, इससे बड़ा और क्या कर सकता हूं। आंचल, दीपक, क्यों तुमने ऐसे किया?
मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, क्या वो मेरी गलती थी? दर्द हो रहा है दीपक, दर्द हो रहा है। सिर्फ मेरा बदन ही नहीं, मेरा दिल भी। ओहो, आंचल, मैं गलत किया, मैंने बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे माफ करोगी ना? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल जी नहीं सकता, कभी भी नहीं। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। यादों में जीना नहीं मुझे, जिंदगी मुश्किल है तुम क्या जानो। ये पल तो नहीं मिल पाएंगे हम, अभी मैं जाऊंगा तेरे सपनों में। आजा मेरे बाहों में, प्यार करो मुझे तुम। आजा मेरे बाहों में, बाहों में प्यार करो मुझे तुम, मुझे तुम। यादों में जीना नहीं मुझे, जिंदगी मुश्किल है तुम क्या जानो। प्यार में डूब कर कोहया हूं मैं, मुझको तो पागल किया तेरे बात में। प्यार में डूब कर कोहया हूं मैं, मुझको तो पागल किया तेरे बात में। रिश्ता निभाएंगे खूब, ए रिश्ता हम दोनों निभाएंगे खूब। मेरे आंखों में तू है, प्यार सिर्फ तू ही तू है। यादों में जीना नहीं मुझे, जिंदगी मुश्किल है तुम क्या जानो। ये जवा आकर तुझे गले लगता है, प्यार को समझाओ आजा मेरे प्यार। ये जवा आकर तुझे गले लगता है, प्यार को समझाओ आजा मेरे प्यार। मेरे दिल में सिर्फ तू है, आकर मुझे गले लग जा। मेरे दिल में सिर्फ तू है, आकर मुझे गले लग जा। ये मौसम अच्छा है, कुछ से नाचूंगा मैं। यादों में जीना नहीं मुझे, जिंदगी
मुश्किल है तुम क्या जानो। जो भी मैं करना चाहता हूँ वो मैं करके ही रहता हूँ। हाय गॉड, मेरी प्यारी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ। माँ, माँ, एक गुड न्यूज है माँ। मैंने बोला ना उस दिन राजशेखर वो बहुत पहले ही गुजर गया था। हाँ, जैसे तुमने बोला था उसकी बेटी आंचल वो मेरे पास आकर फंस गई है। माँ फंस गई है। हाँ, मैंने बहुत अच्छा एक्टिंग की और वो मान गई। मान गई माँ। मान गई माँ। बस करो नीता, बस करो। क्या वो तुम्हारे हाथ में फंस गई या फिर तुम उसके हाथ में फंस गए? तुम अपनी माँ को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। माँ, तुम क्या कह रही हो? क्या बक रही हो तुम? मुझे ही तुम भरोसा नहीं कर रहे हो? बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझ पे। क्यों ऐसी हो माँ? हर किसी पे विश्वास कर कर के मैं अभी बेवकूफ हो गई हूँ। बस करो। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है माँ। तुम मुझे भरोसा करो। मुझे पता है तुम मुझे भरोसा करती हो। मुझे पता है। सत्रह अठारह साल हो गया रहेगा। गांव सब चेंज हो गया है, लेकिन आदमी नहीं बदला होगा। मैं इस गांव को नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। ये मेरी गलती है। बहुत दुख लग रहा है, लेकिन क्या करेगा, ये सब ऐसा ही होने था। दीपक, तुम अभी कैसा रहेगा? तू यही गांव में रहेगा? अगर है तो भी मैं कैसे तुम्हें ढूंढ पाऊं? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तुम जरूर मिल जाएगा। मैं क्यों भी गांव छोड़ के गया? जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा ही हो जाता है। क्या हो जाएगा, नहीं होएगा, ये सब किसी को नहीं पता। जिंदगी तो चलते ही रहेगा, यही एक सच बात है। आपको क्या चाहिए? एक डबल रूम चाहिए। इसमें उसका पता लिखा दो। कितने दिन रुकोगे? नहीं मालूम। नहीं मालूम? ठीक है, 3,000 रुपये एडवांस दे दो। चा भी लो। थैंक यू। आइए। आपका कॉपी चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, जरूर पढ़ा तो भुला लेगा। कृपया करके मुझे नहीं डिस्टर्ब करो। ओके सर, ओके सर, धन्यवाद सर। आपको कोई जरूरत हो बुलाओ। कितना अच्छा आदमी है और कितना अच्छा संसार। सब कुछ टूट गया, सपना ही रह गया। पैसा ही सब कुछ समझ के राजशेखर अब कहाँ होगा, कैसा होगा?
माँ, माँ, तुम तो मेरे ऊपर नाराज हो क्या? माँ, जो भी है बोल दो माँ। तुम बात नहीं करोगे तो मैं कैसे रहूंगा? आंचल। हाँ माँ, आंचल, उसको क्या हुआ? आंचल बड़ी सुंदर लड़की है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? दीपक, तू एक छोटा बच्चा नहीं है, सारी बातें मुझे समझ में आ रही है। आंचल को तुम बहुत पसंद करते हो ना? बताओ दीपक, तुम्हें आंचल बहुत पसंद है ना? लेकिन माँ, आप तो क्या हुआ, तुम बकवास क्यों कर रहे हो? उस पागल लड़की के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिला के घूम रहे हो, हाँ? बहुत प्यार हो गया ना तुम्हें, पागल हो गए हो तुम? तुमने जो मुझसे वादा किया था याद है क्या तुम्हें, हाँ? तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा उस नई लड़की से ज्यादा प्यार है ना अभी? मेरा बच्चा मेरे हाथ से छूट गया। तू मेरे दिल के दर्द को क्या जानते हो? मेरे प्यारे पति को खोकर, मेरे बच्ची को खोकर, अपनी जिंदगी बर्बाद करके इस व्हीलचेयर पर बैठी तेरी माँ को तुझे कहाँ से याद रहेगा? क्या याद रहेगा? माँ, माँ, सारी माँ, माँ, मेरे को सिर्फ आप ही चाहिए, सिर्फ आप ही चाहता हूं मैं, सिर्फ आपको ही चाहता हूं मैं, हमेशा के लिए आपका ही दीपक हूं, आपका बेटा हूं ना, बात से कभी मुकरूंगा नहीं। मैं आंचल को मार डालूंगा, मैं बदला लूंगा माँ, आंचल को मैं खत्म कर दूंगा माँ। भाई एक काम है जरा। ठीक है। इस लड़के का नाम दीपक। हाँ ठीक है। 10वीं साल में निकाला हुआ फोटो है। अच्छा। अभी इसको करीब 25 बरस लगेगा। हाँ। आप लोग कोई इसमें पहचान आई क्या? हाँ। अगर किसी से बात करेगा तो इसको मिलेगा, ऐसा कुछ पता है क्या? जरा देख लो।
नहीं पता है यार। मैं जानता नहीं सर। भैया मुझे जरा टू व्हीलर वर्कशॉप तक जाना था, चलेंगे आप? थोड़ा ठहरो। हमें पता नहीं सर। 16-17 साल के बाद आए हो, सिर्फ नाम ही जानते हो दीपक करके, इससे उसको ढूंढना मुश्किल है। आपने दीपक का नाम लिया, क्या बात है भैया? कुछ नहीं, इस बंदे का नाम दीपक है, इसको ढूंढ के ये आए हैं। 25 साल का होगा, वही पूछ रहे थे ये। ओ, ये तो हमारा दीपक है, मैं इसे जानती हूँ अंकल, मैं इसे जानती हूँ। इन्होंने एक फोटो स्टूडियो शुरू किया है, बहुत अच्छे इंसान है अंकल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे साथ आ जाइए, मैं उनके स्टूडियो में छोड़ दूंगी। भैया जाते समय उनको दीपक के स्टूडियो में छोड़ के मुझे जरा वर्कशॉप तक छोड़ दीजिए आप। कितने पैसे होंगे? आइए देखते हैं। ओके। बहुत शुक्रिया। इसके लिए क्या थैंक यू बोल रहे हैं? मुझे लगता है मैं कहीं देखा है तुमको, कहाँ देखा है करके ये नहीं पता, लेकिन मैं जरूर तुम्हें देखा है कहीं तो। अंकल ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम खुद यहाँ पे एक महीने पहले ही इस गांव में आए हैं। बॉम्बे से ट्रांसफर लेके आई हूँ, यहाँ पे बैंक में काम करती हूँ। आप दीपक सर को कैसे जानते हैं अंकल? ओ दीपक साहब को मैं कैसा जानता है ये पता चलेगा तो तुम मुझे उसे लिख जाएगा क्या? नहीं नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है, दीपक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बस आप कह रहे हैं कि उसको जानते इसलिए आपसे पूछा मैंने, बस यही बात है अंकल, मुझे गलत मत समझना आप, सॉरी। भैया यहीं पे बस राइट पे गाड़ी रोक दीजिए, गाड़ी बंद मत करना। हाँ। इनको मैं जरा अंदर छोड़ के बाहर आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। आइए अंकल, यही दीपक का स्टूडियो है। ओ थैंक यू। आइए। दीपक सर आपसे मिलने के लिए ये अंकल आए हैं। सर आप धनपाल हो ना? बहुत बदल गए हो आप। जो मैं कहना था वो तुम बोल रहे हो, मुझे भी उम्र हुआ है ना। आप कैसे इधर आए? अरे वाह, आपको देख के कितने साल हो गए? एक बात मालूम है दीपक? हाँ? तुम्हें कैसे ढूंढ पाएगा करके मुझे नहीं पता था, कुछ भरोसा नहीं था, लेकिन ये लड़की ने तुम्हें पहचानता है करके सिर्फ बोला ही नहीं, साथ में मेरे साथ आया भी ऑटो में इतना दूर तक। नाइस गर्ल। लेकिन दीपक मुझे लगता है मैं इसको कहीं तो देखा है। इस लड़की का नाम झांसी है। मेरी स्टूडियो का रेगुलर कस्टमर है, मेरी एक अच्छी दोस्त भी है। ठीक है अंकल मैं जा रही हूँ, दीपक सर मैं निकल रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अंकल, जरूर तुम्हें मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स झांसी। स्टूडियो बिजनेस कैसा है दीपक? बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी गुड, अच्छा है। एक सेकंड वेट कीजिए, मैं जरा बात करके आऊंगा। ओके, बात करके आना। हेलो, क्यों ऑडिटर सर के पास मेरा नाम झांसी करके बताया? जब मैं तुमसे मिलूंगा तब बात बताता हूँ। ओके ओके, बाय। लीजिए सर। थैंक यू। सर घर पे सब ठीक है ना? सब ठीक है। ओ छोड़ो, माँ कैसी है? बहुत अच्छे है सर। एक बात है, क्योंकि सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं उनको बहुत बोर हो जाता है।
बात तो सही है ना, इसीलिए हमेशा टीवी देखते रहती है। कभी कभी 1-2 बजे तक टीवी देखती है, सोने नहीं जाती। क्या करे सर, उनका तो एक ही एंटरटेनमेंट वो टीवी है। दीपक, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम क्यों एक शादी नहीं कर लेते? अगर तुम शादी करेगा तो तुम्हें भी एक साथी मिलेगी और माँ को भी वो अच्छा रहेगा। उसके बारे में कभी तू सोचा है क्या? नहीं सर, वो सब तो माँ ही डिसाइड करेगी। आप तो बुजुर्ग हो, मुझसे मिलने के लिए आप आए वो मुझे खुशी देती है। माँ और आप मिलके जो भी फैसला करेंगे मेरे को कोई एतराज नहीं। इसमें क्या बात है? तुम्हारा माँ को देखना है मुझे। तुम्हारा माँ को भी मुझ पर गुस्सा होगा। इतना साल तक मैं क्यों पूछा ही नहीं, ऐसा उसको गुस्सा रहेगा और दुख भी रहेगा। वो सच बात है, लेकिन हर बात के पीछे जरूर एक कारण होता है। एनीवे, मुझे तुम्हारे माँ से मिलना है, जरूर मिलना है। बिल्कुल देख सकते हैं सर, आइए आप मेरे साथ। ओके। घर को अच्छी तरह संभाला है दीपक? हाँ जी सर, पापा का सपनों का घर है, उनके लिए ही इधर रह रहे हैं। इस घर की हर एक जगह पापा के नाम लेगी। गुड, क्या बात है, घर बाहर से लॉक है? वो क्या है ना सर, मैं स्टूडियो के लिए जाते वक्त लॉक करके जाता हूँ। मेरी माँ तो हमेशा व्हीलचेयर में रहती है तो नीचे नहीं आती है, कोई अगर आए तो माँ को बहुत कठिनाई होगी, इसीलिए मैं बंद करके जाता हूँ। माँ को देखने के लिए और घर का काम करने के लिए एक बाई आती है, वो अगर 10-10:30 बजे तक आएंगे तो घर का काम सब खत्म करके 1-2 बजे तक निकल जाएंगे। उनके पास भी एक चाबी है तो वो जाते वक्त बंद करके जाती है। वो भी बात सही है। मेरी माँ की जिंदगी टीवी, बैल्कनी, व्हीलचेयर, इस सब में ही बंद हो गई है सर। माँ आपको देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आइए सर। थैंक यू। सर 5 मिनट के लिए बैठेंगे? ओ। मैं जाके माँ से बात करके आपको बुलाता हूँ। थैंक यू, ये तुम्हारा माँ को दे। थैंक यू सर, बैठिए सर, मैं आता हूँ। ओके। माँ, माँ, पता है कौन आया है? एक प्लेसेंट सरप्राइज है, आप बहुत खुश हो जाएंगे। मैं अभी आता हूँ। माय डियर बॉस, हिज डॉटर। माँ, हमारे ऑडिटर धनपाल सर आए हैं, उनसे मिलके कितने साल हो गए हैं। क्या बोला, ऑडिटर सब आए हैं? जहां तक मुझे याद है ऑडिटर और राजशेखर के बीच में कुछ तो संबंध जरूर है, नहीं तो इतने बड़े हत्या के बाद उस राजशेखर को यहाँ से बचा के ये इस जगह से भाग के चले गए थे। यहाँ पे हमारे साथ भी तो रह सकते थे। ठीक है, मत रो हमारे साथ, कम से कम इतने सालों में हम क्या जिंदा है या मर गए, एक बार भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा इस ऑडिटर सर ने। और तुम उसे बुला के ले आए, और मैं क्या उनसे बात करूं अभी, उनका हाल चाल पता करूं? दीपक, उस ऑडिटर साहब को हमारे घर से बाहर निकलने बोलो। इस रूम के अंदर मेरी अनुमति के बगैर तुम किसी को भी बुला के नहीं लाओगे। पहले तुम इस कमरे से बाहर निकलो। सर, मैं सुन लिया दीपक, सब कुछ मैंने सुन लिया है। तुम्हारा माँ का मेरे ऊपर इतना गुस्सा है, वो बराबर है। मैं सही था या गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी माँ के इस मूड में मैं उसे मिलना नहीं चाहता हूं। और कई दिन मैं उससे मिल लूंगा। एनीवेज, बहुत आर्टिस्टिक व्यू में घर को सजाया है, एकदम बढ़िया है। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया सर।
सॉरी सर, आप गलत मत समझेगा। क्या हुआ दीपक, इतने डल क्यों हो? हमारे प्यार के बारे में मेरी माँ जान गई है। अरे वाह, अब जाके मुझे चैन मिला। हमारे प्यार के बारे में बताने की जरूरत नहीं, इन सब के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन आंचल, मेरी माँ को ये पसंद नहीं है। कल रात वो मुझसे कह रही थी, वो सुनते हुए मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पाया। नहीं नहीं दीपक, मुझे विश्वास है माँ हमारे प्यार को मान जाएंगी, वो हम दोनों की शादी कराएंगी। तुम जो कह रही हो वो मुझे खुशी देती है, लेकिन तुम भी बात करोगे तो मेरी माँ नहीं मानेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं उनको कन्विंस कर दूंगी, मेरा विश्वास करो दीपक, मैं एक दिन माँ से मिलने तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। मैं अकेली तुम्हारी माँ से मिलके बात करूंगी और उनके मुँह से हाँ बुलवाऊंगी, ठीक है ना? हे, मेरी शुभकामनाएं। अगर तुम कहोगी कि कब आ रही हो, मैं माँ से कह दूंगा। वो बात भी सही है, बस अगले 2-3 दिन में एक दिन तुम्हारे घर आऊंगी। घर आते वक्त साड़ी पहन के आना, ठीक है? दीपक, माँ, दीपक, माँ, दीपक, 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 माँ, माँ, मैं आंचल, दीपक ने शायद बोला होगा, दीपक, मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं माँ, एक बहुत अच्छे इंसान, आपका प्यारा बेटा, आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत आदर करता है, वो जब देखो सिर्फ आपके बारे में बोलते हैं माँ, अपनी माँ से पूछे बगैर मेरे से कुछ भी हो नहीं पाएगा आंचल, ऐसा कहते हैं वो। वो कहते हैं कि माँ उनकी दुनिया है, ऐसे एक बेटे को पैदा करने के लिए आप महान हैं। मेरे दिल में उनके लिए जो इज्जत है, आदर है, प्यार है, मोहब्बत है, वो सब पता नहीं मैं आपसे कैसे कह पाऊंगी। दीपक मेरे से नहीं नहीं नहीं, मैं दीपक से बहुत प्यार करती हूँ माँ, अगर वो और मैं एक हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी माँ। मैं आपके लिए बहू बन के नहीं बल्कि बेटी बनके पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। मुझे और दीपक को बस आप आशीर्वाद दीजिए माँ, आपका आशीर्वाद हमारे लिए जिंदगी भर मायने रखेगी माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। अरे चुड़ैल, मेरे बेटे से प्यार करके मेरी परिवार से बदला लेने का सोच रही है कि तूने? हमें बर्बाद करेगी क्या? तुझे लगता है कि मेरा बेटा तुझसे प्यार करता है? बेवकूफ लड़की, मेरा बेटा तुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें जाल में फंसा कर वो तुम्हें मार डालेगा। उस बेटे ने इस माँ को इसी बात का वादा दिया था।
ये मत सोच कि तू बच के निकल जाएगी। अब तू देख ले इस परिवार के साथ उस राजशेखर ने क्या अन्याय किया था, पता चलेगा। उन सब के बारे में मेरे बेटे को फिक्र नहीं है। तेरे बाप ने जो अत्याचार किया है उसका बदला सिर्फ एक ही है, और वो है तुम्हारी हत्या, तुम्हारी हत्या। अरे तुम्हारी हत्या के बगैर नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, यहाँ से बच के नहीं निकलूंगी। मार डालूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी। परिवार को बर्बाद किया तुमने, मार डालूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी। अरे रुक कहाँ पे, रुक। आंचल मेरी माँ की बात मत सुनो, आंचल रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ, आंचल आंचल प्लीज मत जाओ। ए, रुक वहाँ पे, तुझे क्या लगा मेरा बेटा तुझसे प्यार करता है? वो तुझे मार डालेगा, आज मार डालेगा तुम्हें। आंचल आंचल मेरी माँ की बात मत मानो प्लीज, आंचल मत जाओ, आंचल आंचल प्लीज, आंचल प्लीज, आंचल मैं कुछ नहीं करूँगा, आंचल प्लीज, आंचल रुक जाओ, आंचल आंचल मुझे छोड़ के मत जाओ, आंचल प्लीज, आंचल रुक जाओ, आंचल तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, आंचल प्लीज, आंचल रुक जाओ, आंचल प्लीज, आंचल 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 मेरी माँ की बात मत मानो प्लीज, आंचल मत जाओ, आंचल आंचल प्लीज, आंचल प्लीज, आंचल मैं कुछ नहीं करूंगा, आंचल प्लीज, आंचल रुक जाओ, आंचल आंचल मुझे छोड़ के मत जाओ, आंचल प्लीज, आंचल रुक जाओ, आंचल तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, आंचल। आंचल 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 तुम किधर हो, आंचल कहाँ गई हो, आंचल 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 मुझे छोड़ के मत जाओ, आंचल प्लीज, आंचल। अरे अरे यहाँ खड़ी हो क्या, तुम्हें क्या लगा मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है क्या, ऐसा लगा तुम्हें मेरा बेटा तुमसे प्यार करके तुमसे शादी करेगा क्या? नहीं रे, वो तुम्हें मार डालने वाला है, तुम्हें मार डालेगा। आओ इधर, मार डालेगा वो तुम्हें। शादी करने के लिए तुमसे प्यार नहीं किया, वो तुम्हारी हत्या करेगा इसलिए प्यार किया। सुन ले, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। आंचल आंचल मुझे छोड़ के मत जाइए, आंचल आंचल। दीपक 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 उठो ना, दीपक 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 उठो ना, दीपक उठो, दीपक दीपक। दीपक उठो ना, दीपक उठो, दीपक दीपक उठो ना। दीपक दीपक उठो ना, दीपक दीपक उठो, दीपक दीपक। दीपक उठो, दीपक 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 उठो ना, दीपक दीपक उठो, दीपक दीपक उठो ना, दीपक उठो, हे भगवान दीपक 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 उठो, दीपक दीपक उठो। जरा बाहर रुकिए मैडम। दीपक के साथ तुम ही आई हो ना? हाँ सर मैं ही हूँ। जरा अंदर आ जाओ। ओह माय गॉड, बोलो क्या हो गया एक्चुअली?
ओके, थोड़ी देर वेट कर रहा। सर गुड मॉर्निंग, चाय ले लो। शुक्रिया बेटे। माय गॉड, मां की डेड बॉडी के साथ में जिया हुआ दीपक। क्या हो गया बेटी? आइए अंकल, मेरे दीपक का हालत देखिए अंकल। दीपक आंखें खोल के देखिए ना दीपक, मैं तुम्हारी आंचल। मुझे देखिए ना दीपक। आप कौन हो? मुझे पता नहीं। दीपक, दीपक क्या मुझे भी नहीं पहचानते हो तुम? मैं जानता नहीं हूँ। मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी आंचल। ओ, ऐसी बात है क्या? बेटी आ जाओ बैठो। क्या बेटी, उस दिन तो दीपक ने तुम्हें दूसरा कुछ नाम से पुकारा था ना, लेकिन आज तुम दूसरा ही कुछ बोल रहे, क्या बात है? मेरा नाम आंचल ही है। ओ, दीपक ने कहा कि उसकी माँ आपको अच्छी तरह से जानती है, इसलिए मुझे जानसी के नाम से बुलाया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे बुलाया। तो राजशेखर की बेटी हो? हाँ अंकल। तुम्हारा माँ का नाम सुनीता है ना? हाँ। तुम्हारा पिताजी? मेरे माता पिता को आप जानते हैं क्या अंकल? अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा पिताजी कैसा है अभी? नहीं अंकल, पिताजी तो पिछले बरस हार्ट अटैक में। लेकिन मेरा दीपक? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो, चलो डॉक्टर को मिलके आते। डॉक्टर, मैं धन पांड्या। बोलिए। इस लड़की दीपक का फैमिली फ्रेंड है। दीपक को जो हुआ है ये बीमारी, नहीं तो वो डिस्टर्बेंस देखेगा तो जरा ताजुब का लग रहा है। यस, लाखों में एक को ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं इन लड़की से ये जानता हूँ, दीपक के दिल को बहुत जोर से चोट लगी है। इस हाल में जो रहने वाला आदमी, उसका कारण कुछ और ही होगा। आपको कुछ पता है क्या? बेटी 5 मिनट बाहर बैठेगी। बात ऐसा है डॉक्टर, गॉड, बेटी आ जाओ, आके बैठ जा, बैठ जा। मिस्टर धनपांडियन, बेटी दीपक को दिल की बीमारी हुआ है, कम से कम 2 साल तक उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट देख के भी ठीक होगा है एक पता नहीं है, इसलिए उसको प्यार से ध्यान से उसको देखभाल करना चाहिए, एक साथी की जरूरत है। मैं उन्हें देख लूंगी डॉक्टर, मेरे दीपक को मैं देख लूंगी, चाहे जितने भी साल हो जाए मैं उन्हें देख लूंगी। गुड अंकल, मेरा दीपक मुझे चाहिए अंकल, मेरा दीपक मुझे चाहिए। आपका नाम क्या है? आप मेरे साथ ही रहते हो? आप कौन हो? आंचल। आंचल, आंचल।
आंचल, बहुत खूबसूरत नाम है। प्यार में इंतजार महत्वपूर्ण है।